पाठ आठ महिलाओं का अपना बैंक। 1972 में श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ महिलाएं कुछ रकम जमा करें जो संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम आ सके। अगले कुछ सालों में यही विचार एक ऐसे बैंक के रूप में सामने आया जिसे आज केवल महिलाएं ही चलाती हैं। इस बैंक ने गोवा और आसपास की कामकाजी महिलाओं के कारोबार का कायाकल्प कर दिया। पर्यटकों की माया नगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहां के बारे में कई रहस्य उद्घाटन हुए, कई रोचक अनुभव हुए। उन्हीं में से एक था पणजी स्थित विमेंस कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। मैं कैमरा कंधे पर लटकाए पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। हर चार पांच दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। अचानक उन्हीं दुकानों के बीच दिखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक। इससे पहले गोवा की गलियों में औरतों को चीकू, संतरे और लौंग इलायची बेचते तो देखा था, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर नाचते थिरकते भी देखा था, पर केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक सरी की संस्था चलाते देखने की तो कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर पहुंची। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिलाएं ही काम कर रही हैं। मैं एक काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर को ठहर गई। काउंटर के उस पार कार्यरत महिला को लगा होगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। मेरे स्वागत में उसकी नजरें उठी। यस मैडम, मैंने बताया, मैं तो यह देखने के लिए भीतर चली आई हूँ कि क्या वाकई यह केवल महिलाओं का बैंक है, और अब आ ही गई हूँ तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। मेरी इच्छा जानकर वह भद्र महिला मुझे अपनी अध्यक्षा से मिलाने उनके केबिन में ले गई। बैंक की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया एस भावे ने बताया कि यह बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। यह केवल महिलाओं के द्वारा उन्हीं की पूंजी से उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। उन्होंने 25,000 रुपए से भी कम की पूंजी से इस बैंक की नींव डाली थी। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं लिया था। स्थानीय गृहिणियों ने अपनी बचत में से 100-200 रुपए बैंक में जमा करके इसके विकास की शुरुआत की। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना तथा परिवार में उनकी स्थिति को मजबूत बनाना था। गोवा में स्त्रियां अचार, मसाले, पापड़ जैसे छोटे पैमाने के कई रोजगार करती हैं। बैंक द्वारा ऋण मिलने से उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अनेक अवसर खुल गए। शुरू में बैंक में केवल 4 महिला कर्मचारी थीं। आज उनकी संख्या दर्जनों में है। बैंक की 8 निदेशिकाएं हैं और एक अध्यक्षा। महीने में एक या दो बार बोर्ड की बैठक होती है जिसमें बड़े ऋण देने पर निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्षा को अपने विवेक से केवल 5,000 तक के ऋण देने का अधिकार है। पहले केवल शादी ब्याह और कारोबार के लिए ऋण दिए जाते थे, पर अब भवन निर्माण के लिए भी बड़ी तादाद में ऋण दिए जाने लगे हैं। आज बैंक के पास अपनी 2 करोड़ रुपए की पूंजी है और लगभग 5,000 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर हैं। गोवा के अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और रिजर्व बैंक से मदद लेने के लिए खतों किताबत भी चल रही है। प्रिया जी की बातों से भरपूर आत्मविश्वास टपक रहा था। देखने में आकर्षक यह युवा महिला पूरी तरह अपने काम के प्रति समर्पित थीं। मैं सोच रही थी शायद यह घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त हो। आखिर जिज्ञासावश पूछ ही लिया। वह धीरे से हंसी। मेरा विवाह 18 साल की उम्र में ही हो गया था। मेरे पति डॉक्टर हैं और किशोर आयु के मेरे 2 बच्चे हैं। घर गृहस्थी भी देखती हूँ। यहाँ काम करने वाली सभी महिलाएं गृहिणियां ही हैं।
इन्होंने खुद अपने प्रयासों और लगन से यह काम सीखा है। मैं पिछले 5 सालों से इस बैंक से जुड़ी हूँ। मेरे पास भी बैंकिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पर कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मैंने सब सीख लिया। मैंने गोवा के बाहर मुंबई, पुणे आदि शहरों में जाकर बैंकिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने काम में पारंगत हुई। इस बैंक से स्थानीय महिलाएं कितनी लाभान्वित हुई हैं, यह बताते हुए वे बोली, आज से कुछ साल पहले जो महिलाएं सड़कों के किनारे अपना सामान छोटी छोटी टोकरियों में या जमीन पर फैलाकर बेचा करती थीं, अब उनके पास अपनी दुकानें हो गई हैं। उन्होंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे परिवार में भी उनका रुतबा ऊंचा हुआ है। चेहरे पर स्वाभिमान का भाव लाते हुए अध्यक्षा बोली, जब महिलाओं के अपने हाथों में परिवार की वित्त व्यवस्था का नियंत्रण आ जाता है तो उनकी स्थिति अपने आप ही बेहतर हो जाती है। उन पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती या उनके शोषण की संभावना नहीं बचती। गोवा में औरतों की स्थिति बयान करने के उद्देश्य से उन्होंने कहना जारी रखा, यहाँ औरतों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वे हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। ईसाई और हिंदू समुदाय में सद्भावना और सामंजस्य है। खान पान और पहरावे के अलावा दोनों के तौर तरीके लगभग एक से ही हैं। जितनी स्वतंत्र कैथोलिक महिलाएं हैं, उतनी ही हिंदू भी। जितना वे घरों से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, उतना ही हिंदू महिलाएं भी कर रही हैं। उदाहरण आपके सामने है। इस बैंक की 8 निदेशिकाओं में से 7 तो परंपरागत हिंदू घरों से ही हैं। लेखिका